वेलकम टू रीडएक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है तिलस्मी ओलंपाक। ये भोकाल सीरीज की दूसरी कॉमिक्स है और इसकी पहली कॉमिक्स खौफनाक खेल थी, जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो कॉमिक्स नहीं सुनी तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, ये भोकाल सीरीज की कॉमिक्स है और इसके मेन लीड रोल में है भोकाल, और ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है तिलस्मी ओलंपाक। भोकाल सीरीज तिलस्मी ओलंपाक। लेखक संजय गुप्ता। चित्रांकन कदम स्टूडियो। संपादन मनीष चंद्र गुप्त। यहां से आपको तिलस्मी ओलंपाक की खोज करनी है। अब फूचांग का आपसे संपर्क विजय के बाद ही बनेगा। इसके साथ ही वहां छा गई एक गहरी खामोशी, जिसे तोड़ा तुरीन ने। भोकाल, हमें बताओ कि अब हमें क्या करना है। तलाश। तलाश किसकी? तिलस्मी ओलंपाक की। भोकाल की सम्मोहक आवाज ने सबको बांध लिया था। हाँ, महाबली फूचांग के ग्रह के इष्ट देव खजुरा ने इस ग्रह पर तिलस्मी ओलंपाक का निर्माण किया था, और महाबली फूचांग चाहते हैं कि हम उसे ढूंढें और उसका तिलस्म तोड़ दें। और इसके बदले हमें क्या मिलेगा? बोल उठा भोकाल। हमें मिलेगा सम्मान। हम में से जो भी वीर तिलस्म तोड़ेगा उसे महावीर की उपाधि मिलेगी, और मिलेगा तिलस्मी ओलंपाक में कैद खजाना। मुंह खुले रह गए उनके। खजाना? हाँ, बहुत बड़ा खजाना। लेकिन खजाना क्या यूं ही मिल जाया करता है? नहीं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बड़ा खजाना बड़े पापड़। म्याऊं। मौत बना वो सरीसूप चारों के सपने तोड़ने के लिए उनके सिरों तक पहुंच चुका था। चारों ऐसे उछलकर खड़े हुए जैसे उनके नीचे की धरती जल उठी हो। क्या बोला है ये? हे भगवान, ये क्या? कुड़िया। कपाला डर गई बेचारी। शूतान कूद पड़ा चारों के बीच से निकलकर मैदान में। इससे मैं निपटता हूं। शूतान क्या इस सरीसूप को बांध पाएगा? कुछ किया तो उस जादूगर ने, और तभी वहां पर एक और सरीसूप पैदा हो गया। सम्मोहन से तैयार एक नकली सरीसूप, और असली सरीसूप एक ऐसे सरीसूप से लड़ रहा था जो कि वहां था ही नहीं। क्रिया। भाई वाह, देखो कैसे उछल रहा है। मजा आ गया। खूब बेवकूफ बनाया इसे सुतान ने। क्रिया। किंतु तभी असली सरीसूप की पूंछ ने कहर ढा दिया। आए। शूतान की हड्डियां चीख चिल्ला उठी और उसका सम्मोहन टूट गया। सरीसूप को जैसे होश आया। उफ, आए मार डाला रे। धप। सरीसूप की नजर पड़ी तुरीन पर। क्रिया। आ भाई, हम भी अपनी शक्ति आजमा ले तुझ पर। उसने अपनी पूंछ उछाली। बड़ा कड़वा अनुभव हुआ सरीसूप को। गुस्से से पागल हो उठा वो। उफ, बचो। हर। तभी पीछे से अतिक्रूर ने सरीसूप की पूंछ पकड़ ली। मुझसे भी तो थोड़ा खेल ले सरीसूप। सरीसूप ने मुड़कर देखा। हफ हफ। लेकिन शायद उसे पता था ये मच्छर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अतिक्रूर ने तुरीन को तो बचने का अवसर दे ही दिया था। भोकाल, कुछ करो। पहले अतिक्रूर को शक्ति आजमाने दो। किंतु अतिक्रूर उसकी पूंछ के नीचे दबकर रह गया। आए। अब कुछ करना पड़ेगा शायद। उफ, ये अतिक्रूर तो मरेगा आज ज्यादा खेलने के चक्कर में। म्याऊं। फिर वो पूंछ का दबाव बढ़ाने लगा। दबाव बढ़ता जा रहा था पूंछ का, दम घुटता जा रहा था अतिक्रूर का। तभी धड़ाक। एक जबरदस्त ठोकर टकराई सरीसूप के थुतन पर। सरीसूप ने अपना विशाल जबड़ा खोला और उफ, भोकाल बचो। लेकिन तब तक सरीसूप का जबड़ा बंद हो चुका था, जैसे समय रुक गया हो। और सरीसूप के जबड़े के अंदर ही भोकाल आलोक भोकाल बन गया, और जबड़े के अंदर ही भोकाल ने सरीसूप का मुंह अपनी तलवार से फाड़ डाला। क्रिया। अतिक्रूर भी स्वतंत्र हो गया। धन्यवाद मित्र। तत्पश्चात, वाह भोकाल, वाह, शाबाश। म्याऊं। भोकाल, श्री गणेश ऐसा भयानक हुआ है, जाने आगे क्या होगा। मुश्किल ये है कि हम वापस भी नहीं जा सकते। एक बार तो मैंने सोचा कि भोकाल तो गया। तुम सब बहुत जल्दी डर गए, और फिर चारों आगे बढ़ चले। इधर पृथ्वी पर, वाह बहुत खूब, मजा आ गया ये खौफनाक खेल देखकर।
मुझे भोकाल बहुत अच्छा लगा। क्या रोमांचक लड़ाई थी। सभी राजा महाराजा तिलस्मी ओलंपिक में खेले जा रहे उस खौफनाक खेल का आनंद ले रहे थे। अति रोमांचक। वाह फुचांग, तुम्हारा तिलस्मी ओलंपिक लाजवाब है। जियो भोकाल। विकासनगर में भी राजा विकास मोहन, रानी मोहिनी, राजकुमारी श्वेता मोहन, राजकुमार अंकित मोहन, महामंत्री चंद्रमणि व सेनापति प्रवीण सिंह के साथ बैठे वो खेल देख रहे थे। काश मैं भोकाल होता तो सबके पेट का खून निकाल देता। मैं भी तिलस्मी ओलंपिक में जाऊंगी। बिना मदिरा के ये लोग वहां रहते कैसे होंगे। महाराज, आपके मित्र राजा फुचांग ने वाकई दिलचस्प चीज बनाई है। हाँ प्रिय, तबीयत प्रसन्न हो गई। तुरीन को भी देखो, कैसी साहसी सुंदरी है। ये लोग समझ नहीं रहे हैं, मुझे तो लगता है ये फुचांग कोई गहरा षड्यंत्र रच रहा है। किंतु आने वाले बड़े तूफान से वे सभी अनभिज्ञ थे। राजकुमारी श्वेता मोहन के छोटे से मस्तिष्क में आंधियां चल रही थी। मुझे तिलस्मी ओलंपिक में जरूर जाना है, किंतु वो जा किधर रही थी। वो ठिठकी, हमें अंदर जाना है महाबली फुचांग से मिलने। नहीं, अभी तुम अंदर नहीं जा सकती, महाबली फुचांग अभी अति व्यस्त है। उफ, ये तो फुचांग का कक्ष है। तुरंत पलट गई वो बालिका, किंतु मन में ये विचार लिए, मैं अभी मिलूंगी फुचांग से और जरूर मिलूंगी। पता नहीं क्या करना चाहती है ये। जल्दी वो राजमहल की छत पर आ गई, ठीक उस जगह जिसके नीचे फुचांग का कमरा था। विकास मोहन, राजा विकास मोहन, तुम सब मेरे जाल में फंस चुके हो और जल्दी मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। खून खौल उठा श्वेता मोहन का फुचांग के जहरीले शब्द सुनकर, और वो बच्ची अपने आप को रोक ना सकी। तड़ाक, फुचांग दुष्ट कमीने। लेकिन वो बच्ची उस शैतान से टकराई थी जो कि सुरक्षा घेरे में कैद रहता है। गलत हाथों में पड़ गई बच्ची। फुचांग से टक्कर। मुझसे बढ़कर शक्तिशाली तीनों लोकों में कोई नहीं मूर्ख लड़की। बड़ा शौक है तुझे तिलस्मी ओलंपिक जाने का। अब जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तू बहुत कुछ जान जो गई है। शैतान के मन में शैतानी विचार। हाथ उठा उसका और गई बकरी शेर की मान में। सर, एक मासूम जिंदगी को खौफनाक मौत के सिकंजे में भेज रहा था नीच। अब लोगों को इस खौफनाक खेल में और मजा आएगा। डरी और सहमी हुई सी श्वेता पहुंच गई अजीबोगरीब दुनिया में, और वो भी अकेली। धीरे धीरे उस पर दहशत छाने लगी। सुबक, माताश्री, पिताश्री, सुबक। लेकिन सिस्कारिया दबकर रह गई उस खौफनाक दिल को दहला देने वाली आवाज में। धू धू। डर, भय, आतंक, दहशत। कदम जड़ होकर रह गए, आंखें फट गई, जुबान तालू से चिपक गई। सामने दृश्य ही ऐसा था। कोई और भी था जिसने ये दृश्य देखा था। उल्टे पांव दौड़ ली वो। सिर्फ बिल्ली नहीं, मानव भी पृथ्वी पर यह दृश्य देखकर रोमांचित हो उठे थे। उफ, ये बच्ची, ये कौन है? ये बच्ची यहां कैसे पहुंच गई? है ईश्वर, इसकी रक्षा कर। और विकास नगर, वहां तो चीख पुकार मच गई। मेरी बच्ची श्वेता। ढूंढो पूरे महल में श्वेता को, वो वहां कैसे पहुंच गई? मम्मी, दीदी को बचाओ, अब मैं उसे कभी नहीं लड़ूंगा। उफ, ये भयानक जानवर, काश मैं इस समय वहां होता। भयंकर जीव अब तक श्वेता के सिर पर आधम का था। नहीं, मुझे मत मारो। तभी, है मेरे ईश्वर, ये तो राजकुमारी श्वेता मोहन है। महाबली अतिक्रूर ने उसे उठा लिया। शर्म नहीं आती, बच्ची पर हमला कर रहा था, और उसे उछाल फेंका। धड़ाक। वो पलटा, फिर उसकी ध्वनि तीव्र, अति तीव्र होती चली गई। सभी असमंजस में थे। क्या हो गया इसे? और क्या हो गया, टूट फूट गया इसलिए मातम मना रहा है। साले की आंखें भी तो नहीं है जो सम्मोहित ही कर लेता। पृथ्वी पर विकास नगर में, मुझे मेरी बेटी चाहिए महाराज। बुहू। धीरज रखो प्रिय, हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी अब वो सही हाथों में पहुंच गई है, परंतु कब तक महाराज, अभी तो वो सभी संकट में है। मुझे मेरी बहन चाहिए पिताश्री। और संकट वाकई अभी नहीं टला था, ये मेरी तरफ बढ़ रहा है, देखता हूँ ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है। भयंकर जीव ने अपनी सूंड अतिक्रूर की टांग से चिपका दी और अगले क्षण उसने एक जबरदस्त ठोकर भयंकर जीव के मुंह पर जड़ दी। आह,
ये तो साक्षात मौत है, इससे बचो, मेरी आदि शक्ति खींच ली इसने। अतिक्रूर ही जानता था कि उसकी जबरदस्त ठोकर खाकर भी कितनी मुश्किल से वो भयंकर जीव उसके शरीर से अलग हुआ था। सब एकदम सजग हो गए, वहां से भागने को तैयार। मुझे पकड़ लिया इसने तो मैं कैसे बचूंगा, हमें यहाँ से दूर हट जाना चाहिए। लेकिन भागेंगे कैसे, क्योंकि भयंकर जीव की चीखें सुनकर उसके माता पिता जो आ पहुंचे थे। घों घों, कानों को फाड़ देने वाला शोर था वो। अरे बाप रे, हम तो बच्चे से डरकर भाग रहे थे अभी, और यहाँ पहुंच गए माँ बाप, अब क्या होगा। होगा क्या, भोकाल चाचा अभी इन्हें मार डालेंगे। माता पिता को देख बच्चा खुशी से उछल रहा था। तुरीन संभालो इसे, बच्ची अब तुम्हारे सुपुर्द है। श्वेता को गोद में लेते ही, चल कपाला, म्याव। किंतु ये क्यों नहीं समझते कि मेरा क्या होगा। आलोप, भोकाल, बन गया भोकाल। उधर पृथ्वी पर चंद्रगढ़ का राजा सूर्यसेन, वाबाई फुचांग खुशकित्ता, सुजानगढ़ का राजा परकालदेव, मैं तो ये देख देख कर पागल हो जाऊंगा, चित्तौड़गढ़ का सम्राट डबराल देव, इतने मजे कभी नहीं आए, सुकामपुर का राजा चटकाल सिंह, इस दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन यही है, जूनागढ़ का राजा खुजाला, मन करता है बस तिलस्मी ओलंपाक को ही देखता रहूं, मोहकमपुर का सम्राट चौपड़ राजा, इस भोकाल का मुंह चूमने का मन करता है, खोयामपुर का राजा गोकला टकाल, मैं तो मर जाऊंगा अगर ये खेल खत्म हो गया तो। हाँ, जंग शुरू हुई। भोकाल तुम्हें नहीं छोड़ेगा आदमखोरो, भोकाल की तलवार चल पड़ी, खचाक खचाक खचाक। कपाला पर सवार तुरिन भी पीछे न थी, शाबाश तुरिन दीदी। लेकिन तभी, दीदी बचो, उफ, म्याओ, कपाला भयंकर चित्कार कर उठी, और भोकाल भी फंस गया भयंकर जीव की सूंड में। किंतु अभी वहां था अतिक्रूर, छोड़ दो उन्हें जालिमो। कुछ ही पलों में उसने कई चट्टाने फेंक मारी। आए, अरे ये क्या। हाँ, ये चट्टाने नहीं थी, ये थे भयंकर जीव के अंडे। चारों तरफ से भयंकर जीव उसकी तरफ बढ़ने लगे। भाग बेटा सुल्तान, अब नहीं छोड़ेंगे ये तुझे, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। उफ, ये तो और मुसीबत बुला ली मैंने। तभी अतिक्रूर की दृष्टि एक खास चीज पर पड़ी। हाय, ये क्या, ये जीव मेरे फेंकने से उल्टा हो गया था और उलटते ही मर गया। यानी मैं अगर इन सभी जीवों को उलट दूं तो ये सब मर जाएंगे। और विचार आते ही अतिक्रूर भयंकर जीवों पर टूट पड़ा। अब नहीं बचते बेटा तुम, रास्ता छोड़ो, मुझे अभी तुम्हारे माँ बाप से भी निपटना है। अंततः वो उस विशालकाय भयंकर जीव के सामने था जिसने भोकाल को दबोचा हुआ था। मुझे इसकी सूंडों से भी बचना है। तेजी से भागता अतिक्रूर भयंकर जीव से टकराया। मैं आ गया भोकाल, इस भयंकर जीव का काल, और पूरी शक्ति लगाकर उसने उस विशालकाय जीव को उलट ही दिया। धन्यवाद अतिक्रूर, भोकाल को आजाद कराकर अतिक्रूर दूसरे भयंकर जीव की तरफ दौड़ा। अब तेरी बारी है दुरात्मा। लेकिन सब, किंतु अब भोकाल आजाद था। भो, भयंकर चित्कार कर उठा भयंकर जीव, आखिरी चित्कार, मारा गया शैतान, चलो मैं भी बच गया, आओ हम सब कपाला को देखें। कपाला जो अब अपना स्वरूप बदल रही थी। तुरीन, कपाला को क्या हुआ। वो अपने आप ठीक हो जाएगी भोकाल, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। कुछ देर बाद, आप यहाँ पर कैसे आ गई राजकुमारी श्वेता, क्योंकि मुझे आपसे मिलना था भोकाल चाचा, और आप मुझे आप ना कहें, केवल श्वेता कहें, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। ओहो, मेरी गुड़िया नाराज हो जाएगी, मुझे तो भूख लगी है बहुत जोर की, मैं अपनी आंखों में रोज करेले का रस डालता हूँ, यहाँ तो करेला भी नहीं है, तू खाने की बात कर रहा है। अरे भोजन के बारे में तो मैं भी पूछना भूल गई थी, हमें भोजन कैसे मिलेगा। हाँ भोकाल चाचा, हमें भी भूख लगी है, मुस्कुराया भोकाल, और लो ये थैली, मुझे महाबली फुचांग ने दी थी, इससे जैसी भी इच्छा करो वैसा ही भोजन मिलेगा। चलो एक समस्या तो सुलझी, सबने अपनी इच्छा का भोजन मंगवाया। वाह, इस थैली से अब करेला भी मिल जाएगा। और सबने अपनी भूख मिटा ली। इधर पृथ्वी पर, महाराज आप फुचांग के पास चलिए, वो जरूर हमारी बेटी हमें वापस ला देगा। ठीक कहती हो तुम प्रिय, चलो हम ऐसा ही करते हैं। राजा विकास मोहन महारानी के साथ फुचांग से मिलने चल पड़े।
अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया महाराज तो मैं फुचांग का लहू पी जाऊंगी। शांत प्रिय शांत, फुचांग श्वेता को वहां से जरूर वापस ले आएगा। उधर फुचांग, मैं सोच चुका हूँ तुम्हें क्या जवाब देना है राजा विकास मोहन। मैं राजकुमारी को वापस ला सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि तब खेल का मजा कम हो जाएगा। अगले ही पल राजा विकास मोहन और महारानी ने कक्ष में प्रवेश किया। फुचांग, मित्र फुचांग। आओ मित्र विकास मोहन, फुचांग के कक्ष में स्वागत है। मित्र, हमारी पुत्री राजकुमारी श्वेता। हाँ मित्र, हम खुद तुम्हें यही बताने आने वाले थे। फुचांग ने चाल खेली, कैसी जबरदस्त चाल। वो मेरे पास आई और बोली, फुचांग चाचा, हमें भी तिलस्म ओलंपिक में भेज दो। क्या कहती हो श्वेता बेटी, तुम्हें तो पता ही है कि वहां केवल दिग्गज वीर ही जा सकते हैं। नहीं मानी वो, मेरी एक ना सुनी उसने। नहीं, हम भी वहां जाएंगे, जरूर जाएंगे, वरना। वरना क्या, उछली तो पड़ा मैं। वरना हम आत्महत्या कर लेंगे, ये खंजर हम अपनी छाती में उतार लेंगे। नहीं, ऐसा ना करना। और मुझ जैसा बलवान उस बच्ची के सामने भीख मांग उठा, उस बच्ची के प्राणों की भीख। सुनो बेटा, अपने माता श्री पिताश्री से तो आज्ञा ले लो। नहीं, आप अभी निर्णय ले, नहीं तो। हार गया मैं महाबली फुचांग, उस बच्ची से हार मान गया। ठीक है पुत्री, हम बेबस ना होते तो कदापि तुम्हें वहां ना भेजते, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाती। दरिंदा कितना बड़ा चालबाज निकला। अब तुम ही बताओ कि तुम मेरी जगह होते तो क्या उतार लेने देते उसे खंजर अपनी छाती में। नहीं मित्र, कदापि नहीं। किंतु, खुद को कोरा साबित कर लिया उसने दोनों की नजरों में, अब वो वापस कैसे आएगी। यही तो दुख है मित्र, कि अब मैं भी उसे वापस नहीं ला सकता। तिलस्मी ओलंपिक में गया मानव केवल तिलस्म के टूटने के बाद ही वापस आ सकता है। अब तो तिलस्मी ओलंपिक तोड़ने वाला विजेता ही उसे वापस ला सकता है। दोनों टूटे हुए दिल और मरे हुए मन से वापस चल पड़े। महाराज, उससे बोलो कि वो मुझे भी वहीं भेज दे, मेरी पुत्री के पास। धीरज रखो रानी, हमें विश्वास है कि भोकाल जल्द ही उस तिलस्म को तोड़ देगा। राज दरबार में, महाराज आपसे मिलने के लिए बहुत से देशों के राजदूत इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भेज दो। शीघ्र ही अन्य देशों के राजदूत वहां पहुंचने लगे। महाराज विकास मोहन को चूड़ागढ़ के राजा समक्षम का प्रणाम। प्रणाम स्वीकार। कहो राजदूत, कैसे आना हुआ। महाराज, हमारे देश की आधी आय का हिस्सा आपके खजाने में जमा करा दिया गया है। निवेदन ये है कि हमें कुछ और दूरदर्शन दर्पण दिए जाए, क्योंकि हमारे महाराज प्रजा को भी ये खेल दिखाना चाहते हैं। इसी तरह की फरमाइशों के साथ कई देशों के राजदूत वहां पहुंचे थे। महाराज, हमारे महाराज ने इस जबरदस्त आयोजन की बधाई भेजी है। महाराज, इस साल की संपूर्ण आय मिथिला नरेश ने खेल से अति प्रसन्न होकर आपको नजर की है। इस अभूतपूर्व खेल के लिए लिबासगढ़ की संपूर्ण जनता ने आपको बधाई भेजी है। विकासगढ़ का कोषागार छोटा पड़ने लगा वो धन समेटते समेटते, और छोटा पड़ने लगा राजा विकास मोहन का राजकुमारी श्वेता के खोने का दुख। कोषाध्यक्ष, महल में 10 और कोषागार बनाए जाएं, शीघ्र, अति शीघ्र। हा हा हा, मित्र फुचांग धन्यवाद, हम बहुत प्रसन्न हुए तुमसे। मूर्ख। समाप्त। प्रिय पाठकों, आपके मनोरंजन के खजाने भोकाल सीरीज में नित नई घटनाओं के साथ राज कॉमिक्स नई नई कहानियां पेश करेगी। ये कहानियां अपने आप में संपूर्ण होंगी, यानी कोई भी कॉमिक्स किसी दूसरे कॉमिक्स का पार्ट नहीं होगा। अब तक आप इस क्रम में 2 कॉमिक्स पढ़ चुके हैं, खौफनाक खेल, तिलस्मी ओलंपिक, और अब आपके इन प्रिय पात्रों की आगामी नई कॉमिक्स है भोकाल। हमारा वादा है कि इस क्रम की सभी चित्रकथाएं आपका खूब मनोरंजन करेंगी। तो दोस्तों, ये कहानी थी तिलस्मी ओलंपिक कॉमिक्स की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।